set me free. और हमारा संदेश भाई क्या लेके आए? फिश लेके आए, ये उड़ी 6 किलो है। वैसे बाकी के पूरी के पूरी टिप नो आ गई है यहाँ पे थाने स्टेशन पे, थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं। अच्छा वो ट्रेन 10 मिनट लेट है ना, मैं तो फटाफट निकलना पड़ता था। अभी हम पहुँच गए जस्ट थाने स्टेशन पे, टाइम हो रहा है 8:54। मेरे को किधर जा रहे हैं कोई नहीं, मतलब बिक्री किधर है अपना? अरे मांगने जा रहे हैं। दिस इज थाने स्टेशन, अभी हम जा रहे 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे लगी 856 की करजट। ये तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना है, काफी सारा लगेज तो आप पीछे से आ रहा है, और क्या क्या आ रहा है, कौन लेके आ रहे हो, आपको आगे पता चलेगा। 1 hour later. Hey guys, welcome back to my new vlog. And और एक बार हम निकल पड़े पूरी के पूरे ऑफिस टीम एक रोमांचक सफर पे, जो कि अब तक का सफर काफी रश भरा था। जो स्टेशन बाकी था तब जाके कई सीट मिली, एंड फाइनली हम पहुंच गए वांगनी स्टेशन। एंड टाइम हो रहा है 10 बज रहे हो, एंड ये रही हमारी टीम। हेलो गाइस, वो क्या कुछ एनर्जी एनर्जी है क्या? नहीं तुम एनर्जी है ना? एनर्जी ना ते सुग्रह सर घेऊन येणार आहे एनर्जी आता जो वेळ थोडा। तो या के बारे में बता, हम कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बेस में जा रहे हैं, 10 मिनट का सफर है बस। बस 10 मिनट क्या बात है। एंड जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो ट्रैवल था, कुछ लोग दादर से आए, कुछ लोग कुर्ला से आए, चलो बाकी के लोग और आने वाले हैं। ये तो हमारी जस्ट आधी टीम है, आगे जाके देखते कितना बड़ा फार्म हाउस होने वाला है, कितना दूर है। दिनेश यो काय कोण चालते? अरे मागे सांगतो ना रवी, म्हणलं तर जादव सर मागे उभारले, बरोबर उभारले तर मागच उतराय। अरे काय गरज नाही, एवढा व्हिडिओ कसा काढणार आम्ही? भास्कर सर व्हिडिओ पाहिजे, व्हिडिओ पाहिजे। भास्कर सर ट्रिप पे आहे, बहुत बड़ी बात है, हालांकि वो आते नहीं किसी ट्रिप पे, और लास्ट ट्रिप पे हमारे साथ बोले लहान है। सो फाइनली यो टिकट काउंटर दाखो, टिकट तो है हमारे पास। तो गाइस मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। गाइस बहुत दिन बाद हम लोग की पिकनिक निकली है, हम लोग सैर करने निकले हैं, बहुत लोग खुश है और बहुत से लोग अभी आना बाकी है। हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा दिन है, अच्छे आशीर्वाद हुई है। अच्छे हम लोग इस दिन का इंतजार कब से कर रहे थे ना? 20 साल के बाद हम लोग आज बाहर निकले, कैच से बाहर निकले। एंड थैंक्स टू सुग्री सर जिन्होंने प्लान करा सबके लिए, थैंक यू बोले सब लोग सुग्री सर। तो चलो फिलहाल तो अभी स्टेशन के बाहर निकल रहे हैं। ऑटो करना है क्या? विमान में जा रहा है। आपने भी देखा नहीं यहाँ का लुक को, देख लो एंड निकलते बाहर, देखते ऑटो वगैरह करेंगे। काफी एक्साइटेड हूँ वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ का सीन देखने के लिए। फिलहाल आ गए स्टेशन के बाहर, मस्त लग रहा है आके, थोड़ा काफी टाइम के बाद निकले। अभी यहाँ से कुछ शॉपिंग करना है, एंड जैसे कि बाहर सब फ्रूट मार्ट आपको दिखा देगा, पूरा विलेज देख लो गाइस। हो आके काफी मजा आने वाला है, आप अगर प्लान करते तो आपके लिए काफी मजेदार सफर होगा। पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको शेयर कर दूंगा, एंड वीडियो शुरू करते गाइस। चलो 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 सर, किसका वेट कर रहे हैं? सामान ले रहे, गाजर काकड़ी। रानी सर ने देखो सबके लिए काकड़ी लाया है, एनर्जी फुल हो रहा है इससे। फिलहाल जितने लोग अभी यहाँ पे सबसे हम मिल लेते हैं। जादू सर हाय, बलदेव काका, सोलंकी काका, हेलो रानी सर, भास्कर सर, हेलो संपत सर, बोलो कुछ। तो आज हम लोग जा रहे हैं चावड़ा सर का बैंड बजाने। हाय रमेश सर, हाय दिनेश। तो फिलहाल इतने मेंबर यहाँ पे आ गए हैं, एंड बाकी के जो मेंबर है मॉर्निंग ड्यूटी है उनकी, तो जॉब से डायरेक्ट आने वाले हैं। अच्छे लग रहे काकड़ी खा के। ओके कैसे आ रहे देखो बाहर सब लोग। 20 रुपीज पर सीट का स्टेशन से लेके 10 मिनट में हम पहुंच गए, जो कि 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है स्टेशन से, द आर्या फार्म हाउस। एंड आउटलुक देख सकते हो इसका, वो जस्ट हमने एंट्री करा अंदर। हेलो गाइस, अभी फाइनली आवाज आया कहीं पर। आम के पेड़ देखो कितने सारे लगा के रखे हैं पे। हाय गाइस, हेलो। We'll be right back.
रिसोर्ट में जाते हो तो ट्राई करो कि वहाँ के फ्रूट, वहाँ के ट्री या वहाँ के फ्लावर ना तोड़ना। जो प्रॉपर्टी जैसी है उसे उसी हाल में छोड़ना, अदरवाइज वो आपको फाइन वगैरह मार सकते हैं या फिर आपको फिर अलाउ नहीं करेगी। आपके लिए प्रॉब्लम होगा, आप इंजॉय करने जा रहे हो ना, इंजॉय करके आओ। ये रहा हमारा रूम, चलो अंदर से देखते व्यू कैसा है। हो ये रहा हॉल, क्या बेड, अरे बाप रे, डबल बेड के बारे में सुना था, ये कौन सा बेड है? ये 6-7 लोग आराम से सो सकते हैं यहाँ पे तो। ये रहा हॉल का टूर, देख सकते हो हॉल कितना बड़ा है। वो सब लोग कौन से तैयारी में जा रहे हैं इतने जल्दी जल्दी? एंड जैसे कि स्टेशन से हमने कुछ वड़ा पाव वगैरह ले लिया है। एंड ये रहा एक छोटा सा बेडरूम, इसका भी टूर देख लो। वो यहाँ पे बेड वगैरह कुछ नहीं है, वो यहाँ पे सब गद्दे वगैरह है, इंडियन वॉशरूम है। सो काफी सारे गद्दे है यहाँ पे, यहाँ से निकाल के आप नीचे भी कवर कर सकते हो। सो आपकी टीम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यहाँ पे पूरी तरह से मैनेज हो जाएगी। देखा जाए तो 30-40 लोग तो यूं ही आ जाएंगे, है ना सर? फटाफट चेंज कर लेते हैं एंड देखते आगे का क्या प्लान होगा। यस, एंड फाइनली हम जिस किले आए हैं वो है स्विमिंग पूल, तो चलो अभी उसका व्यू देख लेते हैं। एंड बाहर साइड भी इनका वॉशरूम वगैरह है। एंड दिस इज स्विमिंग पूल, वो काफी बड़ा है स्विमिंग पूल, मजा आने वाला है काफी। कितना फीट है पता नहीं, बट देख के लग रहा है 5 फीट का कुछ होगा। एंड इसका आउटलुक गार्डन भी देख लो, यहाँ से कुछ शॉवर वगैरह निकलेगा। एंड वाटर देख सकते हो कितना क्लीन है यार। एंड दिस इज आर्या फार्म हाउस लुक। तो चलो पूरी टीम अभी फटाफट चेंजिंग करेगी, थोड़ा फ्रेश हो जाएगी एंड कुछ स्नैक्स वगैरह लाए उसका मजा लेगी। एंड आगे का प्लान देखिए क्या है, हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी कुछ कवर अप करके तुरंत इसमें उड़ी मारना। तो चलो व्यू तो आपने देख लिया है, अभी पूरा दिन हम यहाँ पे स्पेंड करने वाले है। अगर आपको ये फार्म हाउस अच्छा लग रहा है तो आप कॉन्टेक्ट डिटेल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके कॉल करके बुक कर सकते हो। एंड हम पूरा दिन यहाँ पे इंजॉय करने वाले, तो आप पूरा दिन के भी वीडियो यहाँ पे कवर कर सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट है। एंड सेकंड पार्ट जो है वो हमारे स्टाफ है दिलीप करके, तो हम उसके शादी में जाने वाले, तो सेकंड पार्ट भी मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। मतलब सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट अलग से आएगा। सो फिलहाल पूरा का पूरा फार्म हाउस हम यहाँ पे कवर कर देंगे, आउटलुक कवर कर देंगे, इनसाइड का लुक कवर कर देंगे। एंड जो जो एक्टिविटी होगी सो काफी मजेदार होने वाला है। तो अगर आप प्लान करते आने का तो जल्द से जल्द इस वीडियो को अपने ग्रुप में भेज दो, दोस्तों को भेज दो, खुद भी देख लो, पहले खुद ही देखो एंड अच्छा लगा तो बुक करो। तो चलो फटाफट जाके फ्रेश होके चेंज करते हैं। हल्का सा स्नैक्स यहाँ पे हो गया एंड मैंने और भास्कर सर ने डिसाइड किया चलो थोड़ा सा तैर लेते, हालांकि हमारा प्लान था लंच वगैरह करेंगे उसके बाद तैरेंगे, बट हमसे रहा नहीं जा रहा यार। एंड यहाँ पे भास्कर सर रेडी है, 1 2 3 वो। बाकी लोग तो स्नैक्स का मजा ले रहे हैं एंड अभी हम थोड़ी देर तैरेंगे, फिर उसके बाद फ्रेश होके फिर लंच वगैरह करेंगे एंड फिर से तैरेंगे एंड फिर खाना पीना खा के फिर से तैरेंगे। दिन भर तैरते रहेंगे हम लोग तो, हम लोग को तो तैरना है बस। धीरे धीरे धूप बढ़ती जा रही है एंड अभी ठंड की बहुत जरूरत है। फाइनली सबका यहाँ पे काफी देर तक तैर के हो गया, काफी मजा आ गया, काफी एंजॉय किया एंड काफी थक भी गए एंड काफी जोर की भूख भी लगी है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे प्लेट लग गई है एंड लंच अभी थोड़ी देर में लग जाएगा। वेज वालों के लिए अलग है, नॉन वेज वालों के लिए अलग है। एंड जो स्पीकर पे गाना बज के जो चिल करके डांस वगैरह कर रहे थे ना यार, एकदम मजा आ गया सीरियसली। एंड अभी लंच के बाद फिर से जाने का प्लान है, तो फिलहाल अभी लंच करते हैं। हालांकि भूख लगी नहीं है, एक्साइटमेंट खत्म ही नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कंटिन्यू तैरते रहो तैरते रहो। 1:30 बजे लंच का प्रोग्राम था बट 2 बज गए बिकॉज ट्रिप पे आए तो हम सब भूख प्यास तो हम सब भूल जाते हो, तो आपको पता ही होगा। एंड संपत सर को देखो कितना जोर से लगा, संपत सर आपकी पीठ देखो
देखो मतलब वो गाना लगाया था हमने गुलाबी साड़ी, तो इनकी पीठ देखो गुलाबी हो गई थी। पीठ देखो यार कैसे हो गई। आप लोग भी एंजॉय करोगे तो थोड़ा खेल लेते करो, स्विमिंग पूल है, खेल कूद करोगे तो लगने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि देख सकते हो वेज में क्या मेन्यू है, पनीर मटर, यस सो देख लो पनीर मटर एंड राइस रोटी, यस सो यहाँ पे बैठे वेज मेंबर एंड वहाँ पे बैठे नॉन वेज मेंबर। ओमबिल था, फिश फ्राई था, पनीर टिक्का था, सो वो इतना डिलीशियस बनाया था ना उन्होंने स्टार्टर, मतलब खा खा के हमने आधा पेट भर दिया था। वेज का तो आपने देख लिया, तो अभी नॉन वेज में देखते हैं। ये रहा नॉन वेज डिश जिसमें आपको मिलेगा चिकन, यस चिकन पापड़ रोटी एंड जैसे कि बताए फिश फ्राई। चलो अभी लंच का मस्त मजा लेते हैं। तो गाइस 3 बज रहे हैं एंड सबका यहाँ पे लंच हो गया है। काफी मस्त सा वेज एंड नॉन वेज जैसे कि आपने मेनू में देखा था, काफी डिलीशियस खाना था एंड लाजवाब टेस्टी यार, सीरियसली काफी मजा आ गया। हालांकि देर देर के थक गए, हालांकि भूख इतने लगे नहीं थी, फिर भी जितना हमसे हो सका उतना हमने खाया। एंड जो वेज वाले के लिए जो गुलाब जामुन आया था तो उसमें तो इतना मजा आया ना, मैंने तो दो दो खाया, काफी मस्त लगा मुझे। एंड आधी टीम जो है वो रेस्ट कर रही है रूम में एंड आधी टीम का जो है एंजॉयमेंट खत्म ही नहीं हो रहा है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे भास्कर सर, जादव सर एंड बलदेव काका, मतलब तुम लोग को थोड़ा भी रेस्ट नाम की कुछ चीज होती पता है कि नहीं? अब भी खाना खाए और तुरंत आ भी गए, थोड़ा रेस्ट तो करो। हमारे जिंदगी में है ही नहीं, मेहनत करो, सिर्फ इन तीनों को छोड़ के देखो, मेहनत करो, मेहनत करो, बस इन तीनों को छोड़ के पूरी टीम रेस्ट कर रही है। एंड इन लोग वापस आ गए पूल में, हम लोग भी आने वाले, बट थोड़ा 15-20 मिनट थोड़ा टहल के रेस्ट करके आ गए, बिकॉज खाना खा के तुरंत जाएंगे तो थोड़ा वॉमिटिंग वगैरह हो सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकता है, बट इनसे एंजॉयमेंट खत्म ही नहीं हो रहा है। पूरी टीम रेस्ट कर रही है, तब तक हम इस फार्म हाउस का भी एक लुक ले लेते हैं। एंड यहाँ से आप स्टेयर से ऊपर जाओगे तो ऊपर भी एक बेडरूम है, मस्त मस्त यहाँ पे फ्रूट आए, हालांकि इन्हें तोड़ना यहाँ पे मना है, हमने तो कुछ तोड़ा नहीं, बट अगर आपकी टीम में लेडीज आते हैं तो उनको समझा के रखो, बिकॉज उनसे रहा नहीं जाता है, तो उन्होंने तोड़ा तो उन्हें फाइन लग सकते हैं। पीछे का देखते हैं क्या क्या देखने मिलेगा। एंड वहाँ से आगे साइड जाओगे तो एक गांव भी दिखेगा आपको, एंड ये पूरा उनके अंडर में आता है पूरा, यहाँ पे आप कहीं पर भी टहल सकते हो। सो जैसे कि इस वक्त हमें कारा हो विलेज में, एंड जो बाकी का सीन है मैं आपको यहाँ पे आपको कवर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको एक स्टेज मिल जाएगा, यहाँ पे आप आपके जो भी प्रोग्राम है पूरा स्टेज यूज कर सकते हो। इवनिंग में 5-6 के बाद काफी क्लाइमेट ठंडा होने के बाद यहाँ पे आपकी टीम में छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हो तो काफी आपको एंजॉय मिलने वाले, बिकॉज स्पीकर वगैरह तो सब है, आपको कुछ कैरी वगैरह करने की जरूरत है नहीं एंड जगह काफी बड़ी है, यही तो हमें चाहिए होता है यार पूरा टहलने के लिए। सो यहाँ पे आने के लिए आप अगर आप ट्राई करते हो सो आपको बता देता हूँ कि जो पैकेज होता है इनका सो पर पर्सन 2000 होता है, जिसमें आपको स्टार्टर, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड छोटे मोटे स्नैक्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मस्त सा पैकेज है यहाँ पे, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है ना, मतलब आपका एंजॉयमेंट खत्म हो गया नहीं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा हमारी पूरी की पूरी 15 लोगों की टीम पूरी स्विमिंग पूल में बैठ के इतना एंजॉय कर रही थी ना, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि स्विमिंग पूल छोटा है। देखो गाइस कितना मस्त सजा के रखा है इन्होंने। सो इनके 5 एकड़ की जगह है और ये जो फार्म हाउस बना है वो पूरा 1.5 एकड़ में बना है, तो सोच सकते हो कितना बड़ा है ये। हमारी एंजॉयमेंट तो चलती रहेगी, हालांकि छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे काम चल रहा है, वो जो है बड़े लोगों के लिए स्विमिंग पूल बनाया है एंड ये जो है छोटे बच्चों के लिए, तो इसका काम भी जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, आपके बच्चों के लिए भी काफी मजेदार होगा। अगर आपको कोई बर्थडे पार्टी देनी है, मैरिज सेलिब्रेशन रखना है आपको प्रोग्राम, तो ये पूरा का पूरा मैदान आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, स्टेज वगैरह बांध सकते हो, जो करना है कर सकते हो। तो देख सकते हो कितना बड़ा मैदान है, मतलब आप क्रिकेट वगैरह कोई भी गेम हो यहाँ पे खेल सकते हो। ऐसा कुछ सोचिए, मतलब हेल्की भी हो जाए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, पेड़ पौधे भी दिख जाए, इसे कहते हैं फार्म हाउस, मतलब हर कुछ पैकेज में मिल जाए। देख सकते हो कितना बड़ा मैदान है, मैं अभी यहाँ पे एंड पॉइंट पे आ गया हूँ एंड यहाँ से देख सकते हो कितना बड़ा मैदान है एंड पार्किंग वगैरह के लिए भी इनकी सुविधा काफी अच्छी रहेगी यहाँ पे। तो देख लिया मैदान कितना बड़ा है, जगह कितनी बड़ी है, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या क्या फैसिलिटी आपको, क्या क्या सर्विस यहाँ पे मिल रही है। सो जरूर गाइस यहाँ पे प्लान करो आने का, काफी मजेदार रहेगा आपके टीम के लिए। अभी कुछ और एक्टिविटी होगी तो तब कंटिन्यू करेंगे वीडियो, अब जाके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। इतना मजा शायद ही मैंने किसी ट्रिप में किया होगा, मतलब इस पूल में जो हमने वॉलीबॉल खेला है, तो पकड़ा पकड़ी खेला है, जो जितने भी गेम होते हैं वॉटर के सब खेले, मतलब इतना चिल्ला चिल्ला के और इतना मजा कर करके यार, मतलब इतना मस्त फील आ रहा था ना, तो पूरी की पूरी टीम यहाँ पे इतनी एंजॉय कर रही थी ना। तो फाइनली सब यहाँ से अभी निकल गए, फ्रेश वगैरह होके नहा भी के मस्त में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो चलो अभी जाके थोड़ा क्रिकेट का भी मजा लेते हैं। एक्चुअली मैच चालू है, उसका स्पीकर है एंड लाइव मैच जो है वो इधर चालू, क्या बात है, दो दो विकेट कीपर देखा, मतलब रियल मैच चालू है यहाँ पे। हार्दिक पांड्या आउट हो गया यहाँ पे हमारा। तो चलो थोड़ी देर क्रिकेट का मजा लेते हैं हम भी। अरे मेरे को खेलना है।
हे गाइस गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 7:24। हालांकि हम लोग 6:30 बजे उड़ गए थे। 7 बजे नाश्ता आने वाला था, वो नाश्ते को थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज कुक आ गया था थोड़ा सा लेट। 5 लोग सोए थे बेड पे, तो मैं भी बेड पे सोया था। मस्त नींद आई यार, 4 पंखे लगा के रखे। फाइनली अभी कुक आ गए, सब लोग रेडी हो गए यहाँ पे एंड नाश्ते में बनाए यहाँ पे भुर्जी पाव। सो गाइस यहाँ से तो अभी हम चेकआउट कर रहे हैं एंड यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं दिलीप की शादी के लिए। सो आधे लोग जो है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। सो तरुण, दिनेश, छावड़ा सर, राघव सर एंड हमारे बल्ले काका, इन लोग यहीं पे रहने वाले हैं। कितने बजे पूरा गांव भी घूम के जाओ यहाँ पे। गांव में घूमने जैसी बहुत सारी जगह है। हाँ, पूरा गाँव में नदी वगैरह है, सो सब घूम के जाओ। जा पहुंच बस आज दिवस भर। तो यहाँ से हम जाएंगे नीरज स्टेशन, जहाँ से हमारे सुग्रीव सर ने टिकट बुक करा एंड वहाँ से हम जाएंगे पुणे में। सो वहाँ पे जाके देखेंगे वहाँ का क्या माहौल होगा। सो ये रही हमारी मिनी डोर, चलो बैठते फटाफट। जस्ट हमारी मिनी डोर यहाँ पे रुक गई है एंड अभी यहाँ से निकल पड़े नीरज स्टेशन की तरफ।